She removed her wraps. जो मैडम लोइजल थी तो उन्होंने क्या किया, जो अपना पहले तो जो ओढ़नी थी वो हटाई बिफोर द ग्लास शीशे के सामने. सो एज टू सी हर सेल्फ वंस मोर इन ऑल हर ग्लोरी. तो यहां भी देखिए उनके दिमाग में क्या चल रहा था कि मैं कितनी सुंदर दिख रही हूं, एक बार शीशे के सामने और देख लूं. सो एज टू सी, ताकि वो देख सके हर सेल्फ खुद को वंस मोर एक बार और इन ऑल हर ग्लोरी अपने पूरे वैभव में. बट सडनली सी अटर्ड अ क्राई, लेकिन अचानक उनके दिमाग से सॉरी उनके मुंह से एक चीख निकली. सी नो लॉन्गर हैड द नेकलेस राउंड हर नेक. अब यहां से उनकी परेशानी शुरू हो जाती है कि सी नो लॉन्गर हैड द नेकलेस, अब उनके पास नेकलेस नहीं दिखा राउंड हर नेक उसकी गर्दन में. तो जैसे ही वो कपड़े उतार रही थी तो अचानक से उनकी नजर गई कि नेकलेस तो मेरे गर्दन में है ही नहीं. व्हाट इज द मैटर विद यू, और ये सोच करके जो उनके मुंह से चीख निकली थी ये चीख लोइजल ने सुनी. तो लोइजल क्या कहता है कि व्हाट इज द मैटर विद यू, अब तुम्हारे संग क्या बात है. उसे क्या लगा कि फिर कोई बात हो गई. डिमांडेड हर हस्बैंड, उसके पति ने पूछा. सी टर्न्ड डिस्ट्रैक्टेडली टुवर्ड्स हिम. सी टर्न्ड, वो मुड़ी डिस्ट्रैक्टेडली मतलब व्याकुलता से टुवर्ड्स हिम उसकी ओर. आई हैव आई हैव आई हैव, थोड़ा सा जैसे जो हकलाने वाला स्वर था, घबराहट थी, उस तरीके से वर्ड व्यक्त करे हैं. आई हैव लॉस्ट मैडम फॉरेस्टियर्स नेकलेस, और वो कह देती है कि मैंने खो दिया मैडम फॉरेस्टियर का नेकलेस. शी क्राइड, वो चिल्लाई. ही स्टूड अप, इससे तो उसके भी पसीने छूट गए कि मर गया कितना महंगा नेकलेस पर हमारा देने का बूता नहीं है. ही स्टूड अप, वो खड़ा हुआ. बेविल्डर्ड, हक्का बक्का होकर घबरा कर. वॉट हाउ, इम्पॉसिबल, क्या कैसे, ये असंभव है मतलब खोना नहीं चाहिए. दे लुक्ड एमंग द फोल्ड्स ऑफ हर स्कर्ट, उन्होंने क्या किया कि दे लुक्ड, उन्होंने देखा एमंग द फोल्ड्स, कभी कभी क्या जो कपड़े में फोल्ड हो जाते हैं, जो फोल्ड होते हैं तो कभी कभी कोई चीज गिरती है तो उसमें फंस जाती है. तो ऐसा लोएजल को भी लगा, इसलिए उसने कपड़े के फोल्ड में देखने की कोशिश करी. ऑफ हर क्लॉक, उसके लवादे में. इन हर पॉकेट्स, उसकी जेबों में. एवरीवेयर, हर जगह. बट डिड नॉट फाइंड इट, लेकिन उसे वो नहीं मिला. यू आर श्योर, तब वो कहता है कि यू आर श्योर, क्या तुम्हें पक्का विश्वास है. किस बात का, कि हैड इट ऑन व्हेन यू लेफ्ट द बाल, कि ये तुम्हारे पास था जब तुमने बाल पार्टी छोड़ी. ही आस्क्ड, उसने पूछा. तो आदमी जब कोई चीज खो जाता है तो अनुमान लगाता ही है कि यार लास्ट टाइम तुमने अपने गले में वो कब देखा था. तो वो कहती है यस आई फेल्ट इट इन द, आई फेल्ट, मुझे याद है, इट इन द वेस्टिबल ऑफ द मिनिस्टर्स हाउस, कि जो मंत्री के घर का जो गलियारा था जिसमें से अपन लोग निकले थे वहां तक ये मेरे पास था, उसे लगा. बट इफ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट, कि यदि तुमने इसको गली में खोया होता, यू शुड हैव हियर्ड इट फॉल, तो यू शुड हैव हियर्ड, तुमने इसकी आवाज सुनी होती गिरने की. तो चूंकि वो डायमंड नेकलेस था, अगर जमीन पे गिरता, पक्की जमीन पे, तो उसके गिरने की आवाज जरूर आती, तो ये भी बात सही थी. इट मस्ट बी इन द केव, तो उसने भी अनुमान लगाया कि जरूर ये केव में होना चाहिए, क्योंकि केव में गिरा होगा तब आवाज नहीं आई और ये केव में ही गिरा है. तो वो भी कहती है यस प्रोबेबली, हां संभावना है. डिड यू टेक हिज नंबर, क्या तुमने इसका नंबर लिया. नो एंड यू, और तुमने. डिडंट यू नोटिस इट, क्या तुमने भी उस पर गौर नहीं किया. नो. दे लुक्ड थंडरस्ट्रक, वे भौचक्के होकर के देखने लगे एट ईच अदर, एक दूसरे को. एट लास्ट, अंत में, लोइजल पुट ऑन हिज क्लोथ्स, पुट ऑन, कि लोएजल ने पहने हिज क्लोथ्स, अपने कपड़े, और वो क्या कहता है कि आई सेल गो बैक ऑन फुट, आई सेल गो, मैं जाऊंगा वापस पैरों पर, यानी मैं वापस पैदल पैदल जाऊंगा. ओवर द होल रूट, उस पूरे रास्ते पर, टू सी, देखते हुए, वेदर आई कैन फाइंड इट, क्या वो मुझे कहीं मिल सकता है. ही वेंट आउट, वो बाहर निकला. सी सेट बेटिंग ऑन अ चेयर इन हर वॉल ड्रेस.
हाँ, तो इसके बाद आगे देखिए, सी सेट बेटिंग ऑन अ चेयर इन हर वाइल्ड ड्रेस, तो वो बैठ गई एक कुर्सी पर अपनी उसी ड्रेस में, यानी जो डांस के लिए जो गाउन पहन के वो गई थी, तो वो उसी ड्रेस में वहां बैठ गई विदाउट स्ट्रेंथ टू गो टू बेड। अब उसमें इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो बिस्तर पे चली जाए। तो कुल मिला के वो लोग बहुत गरीब थे, और उनके लिए अगर वो नेकलेस रियल था और वास्तव में खो गया तो ये बहुत बड़ी बात थी। ओवर ब्लेम्ड, हताश होकर के, विदाउट एनी फायर, बिना किसी शक्ति के साथ, विदाउट थॉट, बिना किसी सोच के साथ, यानी अब उसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं रही और ना ही उसके दिमाग में कोई विचार आया। हर हस्बैंड रिटर्न, उसका पति लौट के आया अबाउट 7 o'clock, लगभग 7 बजे। ही हैड फाउंड नथिंग, उसे कुछ नहीं मिला, यानी उसने बहुत जगह जगह ढूंढा लेकिन उसे वो नेकलेस नहीं मिला। ही वेंट टू पुलिस हेडक्वार्टर, इसके बाद वो कहां जाता है, पुलिस के हेडक्वार्टर जाता है, टू द न्यूज़पेपर ऑफिस, फिर न्यूज़पेपर के ऑफिस में जाता है, टू ऑफर अ रिवार्ड, और वहां जाकर के एक पेपर में पुरस्कार निकालता है कि अगर किसी व्यक्ति को मिले तो इस तरीके से निकालते हैं। ही वेंट टू द केब कंपनीज, जो जितनी भी केब कंपनी होती है उनके पास गया कि कहीं से वो केब वाला अगर मिल जाए। एवरीवेयर, हर जगह गया, इनफैक्ट वास्तव में, वेदर ही वॉज अर्ग्ड बाई द लीस्ट स्पार्क ऑफ होप, वेदर ही वॉज अर्ग्ड, जहां कहीं वो मजबूर हुआ, बाई द लीस्ट स्पार्क ऑफ होप, जहां उसे उम्मीद की एक छोटी सी भी किरण अगर दिखाई दी वहां वो गया। और लेकिन अंत क्या हुआ कि वो खाली हाथ घर लौट आया। सी वेटेड ऑल डे, और जो उसकी पत्नी मैथिल्डे थी वो दिन भर उसका इंतजार करती रही। इन द सेम कंडीशन, उसी हालत में, ऑफ मेड फियर बिफोर दिस टेरिबल कैलमिटी, बिफोर माने के सामने, टेरिबल भयानक, और कैलमिटी मतलब आपदा। तो ये भयानक आपदा जो उसके सामने आई थी उसे लेकर के वो उसी कंडीशन में वहां इंतजार करती रही। लोइजा रिटर्न एट नाइट विद अ हॉलो, हॉलो का मतलब होता है खाली। लोजल शाम के समय लौटा, रात में लौटा, विद ए हॉलो, एक खाली पन लेकर के, पेल फेस, कमजोर सा चेहरा बना करके। ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। यू मस्ट राइट टू योर फ्रेंड, अब वो आकर के क्या करता है कि एक सुझाव देता है अपनी पत्नी को और कहता है कि यू मस्ट राइट टू योर फ्रेंड, कि तुम्हें अपनी दोस्त के लिए लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? सैडी वो बोला दैट यू हैव ब्रोकन द क्लैप्स, यू हैव ब्रोकन, कि तुम्हारा, तुमसे टूट गया है। द क्लैप्स का मतलब होता है हुक, तो जो उसके पास जो नेकलेस था उस नेकलेस को लगाने का जो हुक होता है, जो कड़ी जोड़ने का लास्ट होता है, तो वो कहता है कि तुम अपनी फ्रेंड को लिख दो कि तुम्हारा ये हुक टूट गया है नेकलेस का, ऑफर नेकलेस, एंड दैट यू आर हैविंग इट मैंडेड, मैंडेड का मतलब होता है मरम्मत करना, एंड दैट यू आर हैविंग, और तुम करा रही हो इट इसकी मैंडेड मरम्मत, और तुम इसकी मरम्मत करा रही हो, तो इससे क्या होगा कि हमें 2-4 दिन और मिल जाएंगे। वो भी ये कह देगी कि ठीक है, ठीक हो जाए फिर दे देना। दैट विल गिव अस टाइम टू टर्न अराउंड, दैट विल गिव अस टाइम, ये हमें समय दे देगा टू टर्न अराउंड, चारों तरफ देखने का। सी रोट एट हिज डिक्टेशन, डिक्टेशन का मतलब आज्ञा, तो उसने वैसा ही लिख दिया जैसा उसने कहा, यानी उसने अपने पति की आज्ञा का पालन कर दिया और जैसा उसके पति ने कहा ठीक वही बात उसने लिख भी भेज दी। एट द एंड ऑफ अ वीक, और सप्ताह के अंत में, दे हैड लॉस्ट ऑल होप, उनकी सारी आशाएं खत्म हो गई, यानी एक सप्ताह तक वो लगातार ढूंढते रहे लेकिन उन्हें वो नेकलेस कहीं मिला नहीं। लोयल हु हैड एजेड 5 years डिक्लेयर, लोयल जो था वो उससे 5 साल बड़ा था, उसने डिक्लेयर किया कि वी मस्ट कंसीडर हाउ टू रिप्लेस दैट ऑर्नामेंट, अब हमें ये मान लेना चाहिए कि अब हमें ये नेकलेस लौटाना है। रिप्लेस का मतलब इसके बदले पर कोई दूसरा नेकलेस अब हमें लौटाना है, ये हमें अब मान लेना चाहिए, यानी कुल मिलाकर के हमें नेकलेस उसे खरीद के देना है। इट वॉज नॉट आई मैडम हु शोल्ड द नेकलेस, आई मस्ट सिम,
यानी यहां से अब उन्हें यह समझ में आ गया कि हमें किसी भी तरीके से ये नेकलेस इसकी जगह खरीद करके दूसरा देना पड़ेगा। तो इसके लिए वो क्या करते हैं कि द नेक्स्ट डे दे टुक द बॉक्स। अब उन्हें पता तो था नहीं कि ये जो नेकलेस है वो कहां से मिला है या मैडम फॉरेस्टियर ने ये कहां से खरीदा है। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि उसका जो बॉक्स होता है वही उसकी पहचान बची थी, तो उस बॉक्स को लेकर के वो ज्वेलर टू ज्वेलर पे जाएंगे, यानी एक ज्वेलर से दूसरे ज्वेलर पे जाएंगे और दिखा करके उनसे कोशिश करेंगे कि क्या ये आपके यहां से बिचा है। तो देखिए कि द नेक्स्ट डे दे टुक द बॉक्स, अगले ही दिन वो क्या करते हैं बॉक्स को लेते हैं, दैट हैड कंटेन्ड इट जिसमें वो रखा था, एंड वेंट टू द ज्वेलर और ज्वेलर के पास जाते हैं, हुज नेम वॉज फाउंड विद इन जिसका नाम उस बॉक्स के अंदर पाया गया। तो बॉक्स के अंदर एक नाम मिला उन्हें, तो उस नाम को समझ करके उस नाम को जान करके वो उस ज्वेलर के पास जाते हैं। ही कंसल्टेड हिज बुक्स, तो वो ज्वेलर भी क्या करता है कि उस बॉक्स को देख करके और अपना नाम देख करके अपनी किताब से क्लियर करता है कि हाँ ये मेरे यहां से बिका है कि नहीं बिका। तो वो कहता है कि इट वॉज नॉट आई मैडम, मैडम ये मैं नहीं हूं हु सोल्ड दैट नेकलेस जिसने ये नेकलेस बेचा है। तो फिर ये कौन है कि आई मस्ट सिंपली हैव फर्निश्ड द केस, मैं तो केवल ये जो केस आप लाए हैं, ये जो बक्सा जो संदूक जो रखने का था, यानी जो डायमंड का नेकलेस जिस बॉक्स में रखा था, तो वो कहता है कि मैंने तो केवल इसको फर्निश्ड किया है, यानी मैंने तो केवल इसको ठीक ठाक किया है, इसको सुधारा है, मैंने ये हार नहीं बेचा। अब वो और ज्यादा दुविधा में फंस जाते हैं कि भैया हार इसने नहीं बेचा तो अब कौन ने बेचा है। देन दे वेंट फ्रॉम ज्वेलर टू ज्वेलर, तो इसके बाद वो क्या करते हैं कि एक ज्वेलर से दूसरे ज्वेलर के पास जाते हैं, सर्चिंग फॉर अ नेकलेस और नेकलेस को तलाश करते हैं, लाइक द अदर ट्राइंग टू रिकॉल इट, लाइक द अदर उस जैसा कोई दूसरा ट्राइंग टू रिकॉल इट और उसको लेने की कोशिश करते हैं, बोथ सिक विद चाइजन एंड ग्रिफ, दोनों के दोनों बड़े चिड़ में थोड़े चिड़े हुए थे और बड़े दुखी थे। इसके बाद दे फाउंड उन्हें पाया इन ए शॉप एट द पैलेस रॉयल, जैसे वो भटक रहे थे इधर से उधर तो एक दुकान मिली उन्हें पैलेस रॉयल, ये एक आंसर में पूछा जाएगा, तो वहां उन्हें मिल गया ए स्ट्रिंग ऑफ डायमंड्स, एक रस्सी मिली उन्हें डायमंड की, दैट सीम्ड टू देम एग्जैक्टली लाइक दैट वन, दैट सीम जो लग रही थी टू देम उनको एग्जैक्टली ठीक वैसी, लाइक द वन जैसी वो जैसा वो डायमंड नेकलेस था, दे हैड लॉस्ट जो उन्होंने खो दिया, पर उसके लिए उसने पैसे कितने मांगे 40,000 francs, उसने 40,000 francs की डिमांड कर दी कि इसके लिए 40,000 francs आपको देने होंगे, और 40,000 francs उनके लिए एक बहुत बड़ी रकम थी। दे कुड हैव इट फॉर 36 और वे इसे चाहते थे मात्र 36 में, यानी 36 में। सो दे बेग्ड द ज्वेलर नॉट टू सेल इट, सो दे बेग्ड इसलिए उन्होंने प्रार्थना की ज्वेलर से, रिक्वेस्ट किया ज्वेलर से नॉट टू सेल इट, इसको बेचना मत, फॉर 3 days yet, यानी 3 दिनों तक इसको आप रखे रहना, 3 दिन तक हम लेने नहीं आए तो बेच देना। एंड दे मेड ए वर्गेन दैट ही शुड बाई इट बैक फॉर 34,000 francs, एंड दे मेड ए बार्गेन, और उन्होंने बार्गेन का मतलब होता है सौदेबाजी करना, तोल मोल करना, दैट ही शुड बाई इट के उन्हें ये खरीद लेना चाहिए बैग वापस फॉर 34,000 francs, इनकेस दे शुड फाइंड द लॉस्ट नेकलेस बिफोर द एंड ऑफ फेब्रुवरी, यानी अगर उसे फरवरी के अंत तक नेकलेस नहीं मिलता है तो वो इन्हें इसे 34 में खरीद लेंगे। लोयल प्रोसेस्ड 18,000 francs विच इज फादर हैड लेफ्ट हिम, लोयल रखता था 18,000 francs, यानी 18,000 francs तो उसके पास थे लेकिन उसे चाहिए तो बहुत ज्यादा थे, विच इज फादर हैड लेफ्ट हिम जो उसके पिताजी उसके लिए छोड़ गए थे, ही वुड बोरो द रेस्ट और शेष उसे उधार लेना। तो 18,000 francs उसके पास पहले से थे, बाजमा की जो पैसे उसे देने थे वो सब उसे उधार लेने थे, तो इसके लिए देखिए वो क्या करता है, कितना परेशान होता है कि ही डिड बोरो, उसने उधार लिया।